हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्ट्रेस पलक सिंह। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एक्ट्रेस पलक सिंह पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक सुपर रेमेडी लेकर आई हूँ, DIY रेमेडी, जो है फेस स्क्रब। फेस स्क्रब या फेस मास्क भी आप इसे एज ए यूज कर सकते हैं। तो ये है, देखिए मैं अभी इसको इस तरीके से बना करके रखी हूँ। इसका मैं वीडियो आपको दिखाऊंगी। तो ये है संतरे का सिरका का पाउडर, जिसका मैं फेस पे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी लाइव। साथ ही आप इसे एज ए स्क्रब और फेस मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप आपके स्किन पे जैसे हाइपर पिगमेंटेशन है या डार्क सर्कल है या स्किन बिल्कुल ही डल हो चुकी है या फिर आपके स्किन पे शाइन चली गई है, मतलब जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स है उसका मतलब ये अकेला एक सॉल्यूशन है। या आप लोगों को भी पता है कि विटामिन सी हम सब लोगों के लिए मतलब कितना फायदेमंद है। तो ये जो हम डस्टबिन में इसको फेंक देते हैं, इसे आप डस्टबिन में मत आप लोग फेंकिए और इस तरीके से आप इसको पाउडर फॉर्म में इकट्ठा कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, फिर आपको बताते हैं इसको कैसे बना। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो संतरे का छिलका है उसको आपको धूप में सुखाना पड़ेगा। धूप में सुखाने के लिए क्या करना है कि संतरे के छिलकों को आपको मतलब अच्छे से उसको अगर इधर उधर आपको फेंक के मतलब गंदा करके उसको नहीं सुखाना है, अच्छे से किसी जालीदार बर्तन है उसमें आप उसको स्टोर कर लीजिए, रख लीजिए और कोई साफ सुथरी जगह पे उसको आप धूप में रख के और अच्छे से उसको सुखा लीजिए। जब अच्छे तरीके से सूख जाए, मैं आपको इधर अभी थोड़ी देर बाद आपको जस्ट आपको लाइव दिखाऊंगी कि किस तरीके से वो सूखने के बाद हो जाता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए अब आगे मैं बताती हूँ कि इसको किस तरीके से पाउडर बनाना है, कैसे इसको आगे अप्लाई करना है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। मेरा जो छिलका है इसको इस तरीके से आपको धूप में अच्छे से सुखा लेना है, जैसे कि हम बहुत पहले से इसको हम धूप में सुखा रहे थे। तो ये करीब एक सप्ताह के अंदर ये इस तरीके से सूख जाता है। तो ऐसा आपको मतलब देखिए इस तरीके से आपको सुखाना, ये बिल्कुल इस तरीके का आवाज़ होना चाहिए, क्योंकि नमी अगर रहा इसके अंदर तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। तो अच्छे से इसको धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको हम अब ग्राइंड कर लेते हैं। इसमें पानी एकदम नहीं डालना है क्योंकि पानी से ये खराब हो जाएगा, आपको ऐसे ही ड्राई फॉर्म में ही पीसना है। तो इस तरीके का ये येलो कलर में ये आएगा और अभी भी ये बहुत मतलब दरदरा है क्योंकि अगर स्क्रब भी करेंगे ना इससे तो स्किन अभी छिल जाएगी। तो इसको थोड़ा सा और मुझे बारीक करना है। तो देखिए कितना अच्छा इसका कलर येलो, बिल्कुल येलो फॉर्म में है। तो इसको अभी और बारीक कर लेते हैं, फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। ग्राइंड करने के बाद ये इस तरीके से इतना सारा मेरे पास आ गया है, क्योंकि मेरे पास जो छिलका था वो बहुत ज़्यादा था। तो आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सालों जो है ये चलने वाला है, ये ख़राब नहीं होता है। तो मेरे पास बहुत सारा था इसलिए हम इतना सारा पीसे हैं, बनाए हैं। तो चलिए इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं अगले बॉटल में। कंटेनर लेना है, इसके अंदर आपको स्टोर करना है। किसी प्लास्टिक का या किसी और चीज़ में अगर आप इसको स्टोर करते हैं तो इसकी जो ये है लाइफ है ये बहुत कम टाइम तक ये चलती है, तो ख़राब हो सकता है। इसलिए आप इसको कांच का कंटेनर में ही आप इसको ये करिए, स्टोर करिए। तो देखिए ये जो कलर है ना, आपको देखने से ये लग रहा होगा कि इसमें हम हल्दी या कुछ और भी इसमें मिक्स किए हैं, बट हम आप लोगों के सामने इसको ग्राइंड किए, इसमें कुछ नहीं है, ओनली इसमें ऑरेंज पील है, सिर्फ संतरे का छिलका है।
और ये इस मौसम में, विंटर मौसम में क्या है कि हमें बहुत सारा बेनिफिट होता है। संतरा वैसे भी स्किन के लिए अच्छा होता है और साथ ही हम इसको लेते हैं, और अगर आप इसको स्किन के ऊपर भी अप्लाई करें तो ये बहुत अच्छा होता है। जैसे कि संतरा खाने के बाद हम उसका क्या छिलका क्या करते हैं, डस्टबिन में हम लोग फेंक देते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग। बहुत बड़ा विटामिन सी जो है उसे हम लोग डस्टबिन में फेंक रहे हैं, क्यों? मार्केट में जितने भी क्रीम हम लेते हैं, चाहे वो टोनर हो या सनस्क्रीम हो या फिर कोई नाइट क्रीम हो, मतलब कोई भी ऐसे जिसमें विटामिन सी है, वो सबसे महंगी और सबसे मतलब बहुत ज़्यादा हाई रेंज में मिलता है। तो क्यों ना हम जिसे डस्टबिन में फेंक रहे हैं उसको हम घर में ही बनाएं। तो देखिए, ये सिर्फ आपको संतरे का छिलका से आपको एकदम से भरपूर विटामिन सी मिल रहा है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। ट्रांसफ़र करते हैं, कांच का जो बॉल कंटेनर है उसमें हम डालते हैं। पहले हम इसको देखिए साफ टिश्यू कपड़े से हम इसको पोंछ दिए थे। ध्यान रखिएगा, आप जिस चीज़ में इसको स्टोर कर रहे हैं ना, उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये ड्राई फॉर्म में होना चाहिए। अगर थोड़ा भी इसमें तो ये खराब हो जाए। हाँ, इसको एकदम आपको अच्छे से इसको ये यूज करना है, और एकदम इसको एयर टाइट कंटेनर में रखना है। इसके अंदर मॉइस्चराइजर भी, मतलब आपको मॉइस्चर भी जरा सा भी इसके अंदर जाना नहीं चाहिए। मेरे पास पूरा भर के इतना सारा मेरे पास, इसको आप कुछ भी कहिए, स्क्रब कहिए या फिर आप इसको फेस पैक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा विटामिन सी का खजाना है मेरे पास, और ये अभी बहुत दिन चलेगा, मतलब और एक साल का ये मेरा स्टॉक है, बिना हल्दी बिना किसी अदर चीज़ों का, सिर्फ ऑरेंज पील है ये। चलिए इसको यूज कैसे करते हैं वो बताते हैं। कोई भी आप फेस पैक कुछ भी चीज़ अप्लाई करते हैं, उसके पहले आपको अपने बालों को संभालना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपके बाल खराब हो सकते हैं। और वैसे भी सर्दी का टाइम है, तो हर टाइम मतलब हर दिन बाल धोना पॉसिबल नहीं है, इसलिए सबसे पहले अपने बालों को सेव कर लीजिए ताकि बाल गंदे ना हो। तो उसके बाद अपने कपड़े को भी कवर कर लीजिए, क्योंकि ये स्क्रब है, हो सकता है थोड़ा सा बिखरे, तो इस तरीके से आप अपने कपड़े को भी कवर कर सकते हैं। अगर नहाने से पहले कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है, नहाने के बाद कर रहे हैं तो ये सब करना ज़रूरी है। तो देखिए कितना खूबसूरत सा ऑरेंज का ये पाउडर बना है, पाउडर फॉर्म में बनाया है इसको। तो यहाँ पर हमें अपने फेस पे, मैं यूज़ करके बता रही हूँ, अप्लाई करके बता रही हूँ, ताकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि हाँ मैं जो रेमेडी बनाई हूँ वो मैं मतलब यूँ ही बना रही हूँ, क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम वीडियो में फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, लेकिन ये मैं बहुत टाइम से यूज़ करती हूँ। हर समर हो विंटर हो, मतलब कोई भी वेदर हो, आपको किसी भी वेदर में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने स्किन, आपको जितना इसका ज़रूरत है ये पूरे बॉडी पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इसका मतलब जितना अमाउंट आपको चाहिए उतना आप ले सकते हैं, चाहे आपको पूरे बॉडी पे करना है तो ज़्यादा ले सकते हैं, ओनली फेस पे करना है तो थोड़ा सा अमाउंट लेना। मुझे सिर्फ फेस पे करना है और नेक पे करना है, तो बस मैं इतना सा लूँगी, करीब 1.5 चम्मच के आसपास, ज़्यादा आपको नहीं लेना है। और ये किसी भी स्किन के साथ ही सूटेबल है, विटामिन सी हर किसी हर टाइप की स्किन के लिए अच्छा होता है। थोड़ा सा सेंसिटिव जिसका स्किन है उनके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि थोड़ा इरिटेशन हो सकता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होती है, बहुत टाइम के लिए नहीं। और इसमें एक आपको और चीज़ ऐड करना है, वो है बेसन। बेसन भी साथ में आप डाल सकते हैं, या सिंगल भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको टैन हटाना है तो बेसन के साथ भी डाल सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर, अगर आप फेस पैक लगा रहे हैं तो आपको सब कुछ इसके साथ ऐड करना है। उसका भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगी कि उसे आपको कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पे दो चीज़ है। बेसन टैन को ख़त्म करता है, साथ ही ग्लोइंग स्किन आपको देता है, और ये जो है ऑरेंज पील है, ये आपके स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है उसको फेयर करता है। साथ ही मतलब इसके साथ इसके जो बेनिफिट है वो अनगिनत हैं, तो आप इसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि स्किन के लिए कितना फायदेमंद है। तो पहले हम इन दोनों को
अच्छे से मिला लेंगे। इतना मिलाएंगे कि ये दोनों एक साथ सा हो जाए, मतलब एक साथ मिल जाए बढ़िया से। तो चलिए इस तरीके से एक बॉल में आपको इस तरीके से देखिए मिलाना। आप चाहे तो इसको रोज वाटर के साथ भी आप ये कर सकते हैं, इसको मिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्लेन वाटर भी इसमें डाल सकते हैं। तो मेरे पास अभी फिलहाल रोज वाटर अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी ये इतनी मतलब पावरफुल है कि रोज वाटर की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपकी स्किन ग्लोइंग बना देगा। तो मैं यहाँ पे ओनली प्लेन वाटर डालूंगी। तो प्लेन वाटर के लिए ऑलरेडी मैं यहाँ पे पानी ले, एक और रेमेडी है इसका, वो भी मैं बताऊंगी। तो जो हम ग्राइंड किए थे तो कुछ इसके हिस्से में बच गया था, क्योंकि ये इतना कॉस्टली होता है, मार्केट में छोटी सी सीसी में आपको मिलती है। इतनी भी आपको क्रीम्स अवेलेबल है मार्केट में, तो समझिए कि इतना सा अमाउंट का आपको बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। इसीलिए हम थोड़ा सा दिन जूसी किए हैं कि जो हमारे मिक्सर में छुपा हुआ था उसको भी हम पानी से धुल के और अपने इसके साथ हम मिक्स करेंगे, क्योंकि ये इतना इसके साथ बेनिफिट है कि हम इसका बूंद बूंद का जो है यूज करना हम क्या आप भी चाहेंगे। क्योंकि मार्केट से ऑलरेडी जब इतना सारा महंगा जब हम क्रीम खरीदते हैं तो हमें पता पड़ता है कि इसकी कॉस्ट कितनी आई है, तो पानी थोड़ा सा और लगेगा। चलिए इसको हम हटा देते हैं, दूसरा कुछ करते हैं। पेस्ट फॉर्म में बनाना है। देखिए मुझे लगता है कि शायद ये हो चुका है। देखिए इस तरीके से आपको बनाना है। तो अब हम इसको अप्लाई करके दिखाते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल इस फॉर्म में आता है, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है कि आपको स्किन को कोई हार्म मतलब लगे, तो स्मूथ सा हो गया है। इसको हाथ से ही लगाना है, ब्रश से नहीं लगाना। देखिए थोड़ा सा ये आपको परेशानी हो सकती है कि ये इधर उधर बिखर सकता है, तो ये फैलता है थोड़ा, लेकिन इसके रिजल्ट जो है बहुत सारा है। इसकी फ्रेग्रेंस जो है ना वो बहुत ही अच्छी है। जैसे कि हम कल आपको एक विटामिन सी वाव का आपको रिव्यू करके दिए थे, उसका भी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छा था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका मैं लिंक आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। क्योंकि वो मैं मार्केट से खरीद के लेके आई थी, लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा, मतलब क्या है कि अगर आप कम पैसे में चाहते हैं कि आपको बेनिफिट हो तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा है। इस तरीके से आपको रब करना है, बहुत ज़्यादा आपको रब नहीं करना है कि स्किन आपकी छिल जाए। हल्के हाथों से आपको इस तरीके से मसाज करते हुए आपको ऊपर से नीचे की तरफ लाना है, और नोज वाले एरिया पे आपको ज़्यादा करना है, क्योंकि ब्लैक हेड्स वाली प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यहीं पे होती है। नेक वाला एरिया आपको करना है, ये मैं आपको कल भी बोली थी, और हर रेमेडी में आपको बोलती हूँ कि आप नेक वाला जो एरिया है आप उसे स्किप मत करिएगा, क्योंकि फेस, अगर आप फेस पे जितना आपको ध्यान देने की ज़रूरत है उतना आपको नेक पे भी केयर करना है। तो नेक वाला जो एरिया है वहाँ पे आप ज़रूर करिएगा। ये नहाने से पहले आप देखिए कोई सा भी आप फेस पे कोई भी मास्क या स्क्रब या पैक कुछ भी आप इस्तेमाल करें ना, तो यही एडवाइस है कि आप नहाने से पहले करिए, ताकि ये पूरी बॉडी पे भी लग जाती है और मतलब इस तरीके की आपकी परेशानी। देखिए इसमें यही प्रॉब्लम होता है कि आपको इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा इस तरीके से फैल जाता है ये, तो आप ज़्यादा मतलब आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप जो है इसको बाथरूम में करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि इधर उधर फैले ना। हल्का सा जलन हो सकता है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, उससे आप परेशान मत रहिए। लेकिन आज जिनके स्किन पे पिंपल है या कोई कील मुहासे टाइप का कोई ऐसा कुछ दाग, मतलब फोड़े फुंसी है, दाग है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर फोड़े फुंसी या पिंपल्स वगैरह कुछ है वो इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर जलन करेगा, आपकी स्किन को फिर नुकसान पहुँच सकता है। तो इसमें यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर फेस आपका क्लियर है, अगर मास्क पे है, पिंपल्स या कील मुहासे नहीं है, फोड़े फुंसी नहीं है, तो ही आप इसको इस्तेमाल करिए। चलिए इसको ज़्यादा देर हम नहीं रख सकते, क्योंकि
मतलब 2 से 5 मिनट ये बहुत है। अगर उससे ज़्यादा देर रहते हैं पूरी स्किन में थोड़ी सी जलन पैदा कर सकती है। ऑलरेडी अभी थोड़ी थोड़ी हो रही है लेकिन इससे ज़्यादा देर इसको हम नहीं रख सकते। चलिए इसको वॉश करके आते हैं। फेस को हम वॉश करके आ चुके हैं और थोड़ा फेस आपको वॉश करने के लिए बिल्कुल ठंडा पानी आपको लेना है, क्योंकि अगर ये गर्म पानी रहा तो आपका फेस और भी इरिटेट हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा इसको धोने के लिए एकदम बिल्कुल चिल्ड पानी चाहिए आपको, ठंडे पानी से इसको धोना है। इसके बाद अच्छे से फेस को आप साफ करके और फिर आपको बताएगी कि आप स्किन को साफ करने के बाद आपको कोई सा भी मॉइस्चराइजर या टोनर आपको अप्लाई करना है। तो मैं अभी मॉइस्चराइजर ही यूज करूँगी। एक बात ध्यान रखिएगा कि स्किन, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको मतलब ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, उससे आप घबराइएगा नहीं, मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप एक आइस क्यूब लेकर के भी उसको आप रब कर सकते हैं। मैं एक्चुअली वो कैमरे में नहीं दिखा पाई आपको क्योंकि उस समय मुझे भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा था, तो मैं वो चीज़ आपको रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो अगर आपको अगर लगे कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो आप एक आइस क्यूब लेकर के कॉटन, मतलब या तो रुमाल हो आपके पास या कैसे भी कोई कॉटन कपड़ा है, उसके अंदर आइस क्यूब को डाल के और फिर स्किन पे रब कर लीजिए। उसके बाद आप कोई सा भी एक मॉइस्चराइजर आप स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। ध्यान रहे मॉइस्चराइजर लगाना आपको बहुत ज़रूरी है ताकि आपके स्किन को लॉक कर सके। ये मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि जो आपके रूम से जो होते हैं उस पर ओपन हो जाता है डस्ट वगैरह कोई भी चीज़ अंदर, आपको परेशानी ना हो आगे, इसलिए आपको मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये है अभी स्किन का रिजल्ट, तो कैसा लगा आप लोग को। और हाँ, ये इस्तेमाल करने के बाद आपको धूप में नहीं निकलना है। अगर आप धूप में बाहर जाते हैं तो हो सकता है आपकी स्किन और भी ज़्यादा रैसेज, मतलब आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा इचिंग रैसेज, मतलब ऐसा फील होगा। तो इसको लगा के आप धूप में मत जाइएगा, जितना हो सके आप नॉर्मल एकदम चिल्ड रहिए, चिल्ड पानी से धोइए और घर के अंदर ही रहिए। और रात के टाइम या सुबह सावर लेने का टाइम आप कर सकते हैं, चलेगा। तो चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको लगा हो कि संतरे का छिलका जो हम वेस्ट करते हैं अगर उसका कोई यूज है तो आप एक बार इसे ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। साथ ही अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी कर सके। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।